ऊना में आज हिमाचली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जरूरतमंद परिवारों को लाखों रुपए के चेक वितरित किए। सत्ती की माने तो ये सभी लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और कई लोगों ने अपने इलाज के लिए लोगों से उधार पैसा लिया था। बीजेपी सरकार में हमने लोगों से कहा है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इन लोगों को आर्थिक मदद की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज से महरूम ना रहे। आज 24 लोगों को 10 लाख से ज्यादा की आर्थिक मदद की गई है और आने वाले समय में ये मदद जारी रहेगी। जितने भी लोग गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं उनको किसी न किसी सूरत में आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। जो व्यक्ति बीमार होता है उस व्यक्ति को इलाज के लिए दिक्कत होती है या उसने पैसे के इलाज करवा लिया लेकिन लोगों से उधार लेकर के करवाया, तो उन लोगों के बिल लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को देते हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आर्थिक सहयोग उनको दिया जाता है। आज उसी तरह का आर्थिक सहयोग हम लोगों ने 10 लाख रुपये से ज़्यादा 24 उम्मीदवारों को बांटा है जो पेशेंट्स रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है या इलाज हो गया है। तो इस तरह की आर्थिक सहायता समय समय पर हम सब लोग देते रहते हैं ताकि लोगों को गरीबों को कोई दिक्कत ना हो और सारे लोग इलाज के बिना ना रहें। कोई भी व्यक्ति इलाज के बिना ना रहे ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी निर्धन व्यक्ति हैं उन सब लोगों को हमने आह्वान कर रखा है कि हम आपकी सेवा के लिए यहाँ हैं और सरकार आपकी है, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपका सहयोग करना चाहती है, आप हमें बिल दें। कोई व्यक्ति इलाज के बिना ना रहे ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं और अभी 15 दिन पहले भी हमने 14 लाख रुपए से ज़्यादा के चेक यहीं पर बांटे थे। अभी 10 लाख रुपए से ज़्यादा के चेक हमने मुख्यमंत्री रात को उसे दिए हैं और अभी कुछ और बिल भी शिमला में दिए हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण 3-4 महीने में पेमेंट्स नहीं हो पाएगी। अभी हमने लगभग 70 बिल शिमला में दिए हैं जिसमें से 24 आज निकले हैं, 20-25 पिछले महीने निकले हैं, तो 40-50 आ गए हैं और अभी 20-25 आने बाकी हैं। तो सब व्यक्तियों का इलाज हो, सब व्यक्ति तंदुरुस्त रहे ऐसी प्रदेश सरकार की इच्छा है।